हालेलुया, यहोवा मैं पुकारता हां, मेरे वल तू छेती आ। जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम खुदा के पाक कलाम में से बरकत पाएंगे। जो सातवीं मोहर खुल रही है रेवलेशन में, उसके हवाले से सीखेंगे। आसमान में जो खामोशी छा जाती है, उस भेद को जानेंगे। सात फरिश्तों के नामों के हवाले से सीखेंगे। खुदा की हम्द सना करेंगे, इब्रानी वर्ड भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले दुआ, आए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज करें। कुदूस 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 रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा मनी होवा खुदा, क्योंकि तू ही कादरे मुतलिक खुदा है, तू ही बहरोबर का खालिक और मालिक है, तू ही कुदूस है, तू ही बरहक है। खुदा यीशुआ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू कहता है कि मैं राह हक और जिंदगी हूँ। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी तेरे इस बड़े काम के लिए खुदावन जी तूने कोहे कलवरी पर किया खुदावन, तेरी उस सलीब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे खुदावन जिस्म से बहे हर लहू के लिए, हर लहू के कतरे के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरी पाक रूह हमेशा हमारे साथ है, हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तू शुरू से आखिर की खबर रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू ही खुदावन हमारा जिंदा खुदा है, तू ही खुदावन यहोवा यरी है, यहोवा निस्सी है, यहोवा शालोम है खुदावन जी। तू हमारी ढाल, हमारे सिपर और हमारे छुपने की जगह है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी कि तूने हमें खुदावन ये दिन ये वक्त पाक सबक बख्शा खुदावन, ताकि हम तेरी हजूरी में हाजिर हो सके खुदावन, तेरे साथ रफाकत रख सके खुदावन जी। ऐ खुदावन आज की सारी इबादत के चार्ज को मैं तेरे हाथ में देती हूँ खुदावन जी, तू अपना फजल कर, अपना कर्म कर खुदावन। जो रुकावटें हैं यीशुआ मसीह को तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन, हर किस्म का बंधन टूट जाए शैतान के खुदावन, हर प्रोग्राम को उसकी हर प्लानिंग को खुदावन तेरे नाम से बांध देती हूँ खुदावन जी। तू अपना फजल कर खुदावन जी, सारी टेक्नोलॉजी को खुदावन, इंटरनेट को खुदावन, फोन्स को, हर एक चीज को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन जी। और खुदावन अपना ध्यान, अपना ज्ञान सिर्फ खुदावन हम तेरी हमद और परस्तिश में, तेरी इबादत में लगाते हैं खुदावन। तू हमारे साथ हो खुदावन, हमारी साजों को, हमारी आवाजों को अपने चार्ज में ले खुदावन। ऐ खुदावन हमारी हमद और परस्तिश पर तेरा तख्त ऐ खुदावन यहाँ पर लगे, तेरे पर फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हों खुदावन जी। और जो हम आज कलाम में से पढ़े, सीखे, समझे खुदावन, वो सब तेरे नाम के जलाल के लिए खुदावन। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ बाप के तू हमारे साथ हो खुदावन, तू हमें तकवीयत बख्श खुदावन, हमारी रूह को खुदावन तू मुस्तैद रख खुदावन जी, तू हमारे साथ रहना है खुदावन जी। ओ खुदावन जी, ये तमाम बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनके घरानों को खुदावन, इनकी जिंदगियों को तू बरकत बख्शते हैं खुदावन जी। हम सबों के साथ हो मसीह यीशुआ मसीह के नाम में, आमीन। आपके साथ मिलकर, आसमानी लश्कर के साथ मिलकर खुदावन की तारीफ, खुदावन की हम्द सना गाएंगे। जबूर 99 साम 99, यहोवा राज आप करता है क्योंकि बेशक वो बादशाह है। हालेलुया। Yeah.
बेशक वही वाहिद खुदा हमारा रब है और उसके बेटे हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के नाम में हम उसके पास हाजिर होते हैं। आप सबों के लिए एक बार फिर शुक्रगुजारी करते हैं, आपके लिए बरकत और सलामती की दुआ। आप इस प्रोग्राम में जो लाइव हमारे साथ हैं, इस ब्लेसिंग को आप अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं और दोस्तों बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो इस प्रोग्राम को बाद में भी देखें, खुदावंद आपको बरकत बख्शें। अपने पाक कलाम से, अपनी हमदो सना से आपकी ज़िंदगी के तमाम वो जुए वो बंधन टूटते जाएँ जो शैतान इब्लीस ने आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में, आपकी कलीसियाओं में रखे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का नाम ऊंचा और बुजुर्ग हो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे, खुदावंद की हमदो सना में आगे बढ़ेंगे। आए अपने गलों को, अपने लबों को खुदावंद के लिए खोलें। आज यीशु दी हजूरी वेखो आए, यीशु दी हजूरी वेखो आए, आज यीशु दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए, आज यीशु दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए, तू ते पाक दा जग आज लाल, आज कर जाओ के नू बहार, तू ते पाक दा जग आज लाल, जाए वो तेरे आए, शिफा दा दर खुले आए, शिफा दा दर खुले आए, जान दाओ तेरे दिल की सतावान, अपने दिन आए ओ सारी सतावान, जान दाओ तेरे दिल की सतावान, अपने दिन आए ओ सारी सतावान, यीशु मसीह की तरफ से आती है, उसके पाक कलाम से मिलती है, क्योंकि जबूर 107 में खुदावंद कहता है अपने बंदे की मार्फत के वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उन्हें शिफा देता है। हालेलुया। विजय भाई आपको वेलकम करते हैं, विल्सन भाई खुदावंद आपको बरकत बख्शे, मुनीर भाई, बहन फरजाना, इसी तरह हमारे पेरेंट्स जो दूर और नज़दीक से हमारे साथ हैं, वी ब्लेस यू ऑल और खुदावंद आपको बरकत बख्शे, अपने नाम के जलाल के लिए कुव्वत से, कुदरत से, कसरत से इस्तेमाल करें। ये खूबसूरत जबूर है, दायम यहोवा या रब। इसके लिए बहुत से बहन भाइयों ने रिक्वेस्ट भी की है, और कुछ रिक्वेस्ट थी जैसे विजय भाई ने की थी, हम कोशिश करेंगे उन्हें नेक्स्ट प्रोग्राम्स में ज़रूर जो है वो शामिल करें। इस ज़बूर का ताल्लुक इंसाफ से है, जो कि हम रेवलेशन की किताब में देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और आज हम उसके हवाले से भी सीखेंगे। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। Yeah.
आसमान में भी खुदा उनका तख्त लगने वाला है और उसके हवाले से योन्ना हमें रेवलेशन में बताते हैं। आज हम उस हवाले से सीखेंगे, मोहरें खुलने के हवाले से हम सीखते आ रहे हैं। बहुत से भेद हमने सीखे, 144,000 का भेद छठी मोहर के हवाले से जो भेद था, इसी तरह और भी जो मुख्तलिफ भेद थे, 24 बुजुर्गों का भेद हमने सीखा। आज हम जो सातवीं मोहर और आसमान में खामोशी छा जाती है आधे घंटे के लिए, उस हवाले से सीखेंगे। बहुत से लोग उस हवाले से अपने अपने ख्याल का इजहार करते हैं, लेकिन खुदावंद की मर्जी क्या है, खुदावंद की पाक रू क्या है, हम वो सीखेंगे। आज का जो वर्ड है वो रेवलेशन चैप्टर 8 में से है, मुकाशफा उसका 8वां बाब, वहाँ से हम देख रहे हैं इस खूबसूरत वर्ड को इब्रानी में, जो हम सीखते हैं हर हफ्ते, हम इब्रानी के हवाले से सीखते हैं। रूफ तहजी से सीखने का सिलसिला शुरू हुआ था और अब हम वर्ड सीख रहे हैं इब्रानी के। जी डैनियल बेटे, आप दिखा रहे हैं और जोशुआ इसको पढ़ के बताएंगे। So our Hebrew word this week has two words in, and it has 7 Hebrew letters. Zion, Hey, Beth, Mim, Chet, Dav, Hey. Again, I'll read from right to left in Hebrew. Zion, Hey, Beth, Mim, Chet, Dav, Hey. Zahab Machta, and that means golden censer. फिर बेटे इब्रानी में फिर बोले, जहाब मख्ता, गोल्डन सेंसर। जहाब मख्ता, जिसका मतलब है गोल्डन सेंसर या सोने का ऊद सोज। और ये सोने का ऊद सोज जो है वो हमें बाइबल में रेवलेशन 8 में नजर आता है, जहां पर हम मुकद्दसीन की दुआएं देखते हैं, वो दुआएं जो खुदा उनके हजूर पहुंची हैं, और अब फरियाद आजिजों की खुदा उनके हजूर पहुंच गई है, और अब वो पुछ करदा खून दी जाती, जो हम अभी हमने गीत भी गाया है, जबूर भी गाया, जबूर 9। तो कैसे वो पुछ करता है, कैसे वो इंसाफ करता है, कैसे वो जजमेंट करने वाला है, अजीजों वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसकी जजमेंट के अंडर ना आए। बेशक मसीही होते हुए हम परसिक्यूट होते हैं, लेकिन हम जजमेंट के अंदर नहीं आना चाहते, जजमेंट के अंडर नहीं आना चाहते।
क्योंकि हम खुदाम के वो लोग हैं जो उसके कॉल के मुताबिक ज़मीन का नमक और दुनिया का नूर है। हम ये खूबसूरत ज़बूर गाएंगे कि किस तरह हम उस जजमेंट से बच सकते हैं, और वो है खुदा के कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, उसकी शरीयत के मुताबिक चलने से। ज़बूर एक, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह पे खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। करेंगे अजीजों हम इस दुआया गीत के साथ, और फिर हम कलाम के हिस्से में बढ़ेंगे जो कि रेवलेशन 8 से है, जब सातवीं मोहर खोली जाती है और आसमान पर हमें सात फरिश्ते नरसिंगे लिए हुए दिखाई देते हैं। और ना सिर्फ वो सात फरिश्ते हैं, बल्कि एक और फरिश्ता भी हमें दिखाई देता है जिसके पास सोने का ऊंच सोज है। हालेलुया।
यीशुआ तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही हमारा फखर है। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावन, जब हम रूह में मुत्तफिक होकर है खुदावन तेरी हजूरी में तेरे तख्त के आगे है खुदावन तेरे सामने हाजिर हैं खुदावन अपने इन तमाम लोगों के साथ, अपने इन तमाम बहन भाइयों के साथ है खुदावन मिलकर है खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है खुदावन जी। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तू हमें ये ऑनर देता है खुदावन जी, तूने हमें ये खुदावन जी फखर दे रखा है कि खुदावन हम जब चाहें जहाँ चाहें खुदावन तेरी हजूरी में हाजिर हो सकते हैं खुदावन जी। और तेरे इन तमाम लोगों को लेकर है खुदा उनकी दरख्वास्तों को लेकर है खुदा उनकी मुनाजात को लेकर है खुदावन जी तेरे तख्त के आगे तेरे कदमों में उंडेल देते हैं खुदावन जी, क्योंकि तू ही है खुदावन ऐसा खुदा है, तू ही ऐसा चौपान है खुदावन जी जो अपनी ही जान देकर है खुदावन अपने लोगों के लिए खुदावन सलीबी मौत को सह गया। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, और उन तमाम लोगों का खुदावन इस वक्त खास तौर पर याद करती हूँ खुदावन जो इसी वजह से सताए जाते हैं खुदावन, इसी वजह से उनको दुख दिया जाता है कि वो मसीह कहलाते हैं यीशुआ, क्योंकि वो तेरे नाम से जाने जाते हैं खुदावन, लोग उनको परसिक्यूट करते हैं खुदावन। में उन तमाम मसीही लोगों के लिए खुदावन जो दुनिया के कोने कोने में हैं खुदावन जी, और खुदावन तेरे नाम के वसीला से दुख उठाते हैं खुदावन जी, उनके लिए तेरी तशफी तेरी तसल्ली को मांग लेती हूँ खुदावन जी, क्योंकि खुदावन जी तू ही ऐसा कादर खुदा है जो उनका इंसाफ करने को जल्द आने को है खुदावन जी। ऐ खुदावन बख्श दे कि उन लोगों पर जो उनको सताते हैं खुदावन तेरा डर तेरा खौफ छाए, बल्कि खुदावन वो तेरी मोहब्बत को जाने, वो जाने खुदावन कि इस दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं, कोई ऐसा माबूद नहीं, कोई ऐसा खुदावन रखवाला नहीं जो अपने लोगों के लिए अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है खुदावन। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, और तेरे लोगों को खुदावन तेरे हुजूर उठाती हूँ खुदावन जी। ऐ बाप उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जो इन लोगों की आवाज़ बनते हैं, इन परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस की आवाज़ बनते हैं खुदावन जी, इनके दुखों को इनकी तकलीफ़ों को खुदावन जी दुनिया के सामने और ख़ास तौर पर तेरे सामने लेकर आते हैं खुदावन जी। मैं तेरी मेहनत करती हूँ खुदावन, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हूँ जो खुदावन इस फलाही काम में खुदावन जी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं खुदावन जी, ख़ास तौर पर आपका की सारी टीम को खुदावन जी तेरे सामने लेकर आती हूँ खुदावन जी। खुदावन उन तमाम
पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है खुदावन दुनिया में जगह जगह खास तौर पर पाकिस्तान और यूएसए में इस वक्त हो रहे हैं, या खुदावन होने को, या खुदावन तुम तमाम लोगों के साथ हो, या खुदावन उनके, या खुदावन जानों की, या खुदावन की इज्जतों की हिफाजत कर, या खुदावन जी, और या खुदावन जी तो खुद उनकी स्ट्रेंथ बन, क्योंकि या खुदावन ये जंग, या खुदावन हमारी नहीं बल्कि तेरी जंग है खुदावन जी। या खुदावन मैं बहन मरियम के लिए खास तौर पर तुझसे दुआ करती हूँ खुदावन, तो अपनी बेटी को या खुदावन शिफा बख्श, जिंदगी बख्श, या खुदावन तसली बख्श, या खुदावन जी तो उसके साथ, उसके खानदान के साथ हो या खुदावन, ताकि या खुदावन वो, या खुदावन तेरे नाम को जलाल देने वाली, तेरे नाम का शुक्र करने वाली है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं बहन सोनिया के लिए खुदावन, उन तमाम दुआओं के लिए जिनका जवाब तूने दिया खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। तू अपनी बेटी को खुदावन हमेशा अपने नाम के जलाल के लिए खुदावन इस्तेमाल करता रहे खुदावन। हम खुदावन दुआ करते हैं अंकल लाल मसीह के लिए खुदावन जी। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू अपने बेटे के साथ हो खुदावन, और कामिल शिफा बख्श, ब्लड प्रेशर की तमाम तकलीफ है खुदावन यीशुआ तेरे नाम से दूर होती जाए खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ उनके खानदान के लिए जो तुझ में मजबूत है खुदावन, जिनका ईमान, जिनका भरोसा यही है खुदावन के सिर्फ तू ही कादर मुतलिक खुदा है, सिर्फ तू ही हमारा शाफी है खुदावन जी। मैं भाई आइजक के लिए, उनकी खुदावन फैमिली के लिए खास तौर पर इस वक्त तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन के तू उनके खानदान को अपनी तसल्ली दे खुदावन जी। जो कंसर्न्स हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है खुदावन, तू उनसे बखूबी वाकिफ है खुदावन। तू अपने बेटे को खुदावन अपना जोर बख्श दे खुदावन, और हर तरह का खुदावन जो मसला है, जो कंसर्न है, वो यीशुआ तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन। बाकी जो दरख्वास्तें खुदावन हमसे की गई हैं, जो पोशीदगी में है खुदावन, लेकिन तू हर एक दुआ से वाकिफ है, तू हर एक बात को जानने का वाला खुदा है खुदावन जी। तेरा शुक्र करती हैं खुदावन, तू है खुदावन कादर मुतलिक उन तमाम दुआओं का खुदावन अपने वक्त पर जवाब दे खुदावन, और हमारी जिंदगी में हमारी नहीं है बाप बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। हम घटे और तू बढ़ता जाए खुदावन, इस वक्त जब हम तेरी हजूरी में हाजिर हैं, कि खुदावन तेरे पाक कलाम में से सीखें खुदावन, तू हमारे दिलों को तैयार कर खुदा, हमारी जिंदगियों को तैयार कर खुदावन, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्श दे खुदावन। अपने बंदा को खुदावन अपनी हिकमत से, अपनी पाक रूह का ताज़ा मसा से भर दे खुदावन, ताकि जो तेरा कलाम है खुदावन, वो तेरे बंदा के वसीला से, तेरे पाक रूह के हदायत में हम तक पहुँचे खुदावन, और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदार हो मसीह यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन। कलाम पाक में से हम पढ़ेंगे रेवलेशन उसका 8वां बाब, मुकाशफा उसका 8वां बाब, और उसकी पहली कुछ आयात, जहां पर हम देखते हैं कि 7वीं मोहर खुल रही है। इससे पहले 7वें बाब में हमने एक बड़ी भीड़ को देखा, इसराइल के 144,000 लोगों को देखा, और खुदाम के तख्त को भी देखा। लेकिन अब हम देखते हैं कि लिखा है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली, किसने खोली? बर्रा ने खोली, क्योंकि बर्रा ही उस मोहरों को खोलने के लायक है। हालेलुया। जब बर्रा ने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकदसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकदसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गर्जें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई, और भौंचाल आया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, हम देख रहे हैं जब इस बात को आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जब वो नरसिंगे फूंकते हैं तो बहुत से ऐसे काम होते हैं, सुपर नेचुरल माफोकल फितरत काम होते हैं, जैसे ओले और आग पैदा होते हैं, जमीन की तिहाई चीजें जल जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कुछ जो नरसिंगे बाकी रह जाते हैं उसके हवाले से भी अफसोस किया जाता है, वो किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये वो प्लेग्स हैं, ये वो जजमेंट्स हैं जो खुदावन उंडेल रहे हैं, और इनकी बाज़गश जो है, इनकी रेमिनेंस जो है, इनकी सिमिलैरिटी जो है,
वो जो मिस्र पर आफतें आई उनके साथ है, लेकिन ऑफ कोर्स वो पहली जो आफतें थी वो सिर्फ मिस्र पर थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इट गोज ऑन टू ऑल द वर्ल्ड, द इम्पैक्ट इज ऑल ऑन द वर्ल्ड। तो क्यों हमें इसके हवाले से सीखने की समझने की जरूरत है कि हम उन लोगों में शामिल ना हों जिनके हवाले से ये नरसिंगे फूंके जाए, हम उस भीड़ का हिस्सा हों जो इससे पहले पिछले बाब में सातवें बाब में मौजूद है, जो बर्रा के सामने है, जो बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है, और हम चारों जानदारों के सामने और उन 24 बुजुर्गों के सामने हों जो ये कहते हैं कि हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की है, आमीन। अजीजो, हम उस भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं, ना कि उन लोगों का जिनके ऊपर ये नरसिंगों के बाद जजमेंट्स आ रही हैं। जजमेंट्स क्यों आ रही हैं हम इस हवाले से सीखेंगे। आठवां जो बाब है वो इन ट्रम्पट्स पर फोकस करता है, और शायद हम ट्रम्पट्स के हवाले से तो अभी ना सीख सकें, होपफुली नेक्स्ट टाइम जरूर सीखेंगे ट्रम्पट्स के हवाले से भी, ट्रम्पट्स क्यों बजाए जाते हैं इस हवाले से भी। लेकिन आपने देखा था कि छठे बाब के आखिर में जब पांच मोहरें खुल गई थी, बल्कि छठी मोहर भी खुल गई थी और सूरज कमल की मानित काला हो गया था, हमने इन भेदों के हवाले से भी सीखा, इन मिस्ट्रीज के हवाले से भी सीखा। तो अजीजो, हम जानते हैं कि वहां पर भी भौंचाल आ रहे थे, और अभी फिर यहां पर जब ये सोने का ऊंट सोज और मुकदसों की दुआएं हैं, इनके साथ भी जो रिजल्ट हो रहा है खुदा के सामने आने का, तो बहुत ज्यादा भौंचाल आ रहे हैं जमीन पर, गर्जें पैदा हो रही हैं, सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि मुकदसों की दुआएं जो बहुत देर से खुदावंद सुन रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि जी हमारा हम पे इतना जुल्म हो गया है, और बेशक बहुत से मजालिम हैं इस वक्त दुनिया में, अगर कभी आप उनकी तफसीलात सुने तो आपका दिल फट जाता है। लेकिन अजीजों, खुदावंद के हजूर ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि खुदावंद इनसे वाकिफ नहीं है। वो चांस दे रहे हैं कि जालिम भी तौबा कर लें, अपने जुल्म से बाज आ जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनकी जजमेंट ऐसे होगी जैसे कलाम में लिखी है। इनफैक्ट 18वें बाब रेवलेशन को पढ़ें तो वहां पर खुदावंद कहते हैं कि उनको दूना बदला दिया जाएगा, इट विल बी लाइक अ प्रोपोर्शनल जस्टिस। और फिर वो प्रोपोर्शनल जस्टिस, जिसको लैटिन में लेक्स टेनियोस कहते हैं, लेक्स टेनियोस, क्यों ये वर्ड मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये मुख्तलिफ कोर्ट्स में, मुख्तलिफ अदालतों में लिखा होता है प्रोपोर्शनल जस्टिस के हवाले से, और बाइबल इसका माखज है, बाइबल इसका ओरिजिन है जहां से ये बात निकली है। तो हम देखते हैं कि यहां पर नरसिंगे बजाने के लिए सात फरिश्ते जो हैं वो तैयार हैं। एक ये भेद भी जो है मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, बहुत से लोग इन फरिश्तों के नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करते हैं लोगों की जिंदगियों में, लोग चाहते हैं कि फरिश्तों के बारे में जाने, और बाकायदा ये स्टडी है एंजल्स के हवाले से और डीमंस के हवाले से, जिस तरह डीमनोलॉजी है इस तरह एंजल्स के हवाले से एंजलॉलॉजी भी है, और बहुत से लोग इनके हवाले से जानना चाहते हैं। अगरचे बाइबल में इन फरिश्तों के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन कुछ ऐसी किताबों में जो कि कैनन के वक्त बुजुर्गों के सामने मौजूद थी कि वो इनको बाइबल में रख सकते हैं, उनमें इन फरिश्तों के नाम भी दर्ज हैं। जैसे एक फरिश्ते के हवाले से तो हम लूका में पढ़ते भी हैं, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब, लूका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में हम एक फरिश्ते के बारे में तो जानते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है जिब्राइल के हवाले से। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। आमीन। तो हम देखते हैं कि खुदा के हुजूर जो ये सात फरिश्ते खड़े हैं, उनमें से एक का नाम तो हमें पता है, जिब्राइल। जिब्राइल के नाम का क्या मतलब है? जिब्राइल के नाम का मतलब है कि खुदावंद मेरी कुवत है, गॉड इज माई स्ट्रेंथ, गैब्रियल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और बाकियों के हवाले से बेशक जैसे मैंने कहा कि बाइबल में डायरेक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक्स में इनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे उरियल। उरियल का मतलब है खुदावंद की आग, ऊर जो है वो आग को कहते हैं, जैसे कहा था कि कसदियों के ऊर में से, उस आग में से जिस जो में इब्राहिम को डाला, इब्राहिम निकल गया। फिर राफायल, खुदावंद की शिफा, अक्सर हम ये बात बोलते हैं यहोवा राफा, खुदावंद जो शिफा देता है, तो राफायल का मतलब है वो खुदा उनकी शिफा को ले जाने वाला फरिश्ता। मिकायल, मिकायल जो है
मिकाया नाम या मीका नाम भी जो है वो इससे निकला है कि हमारे खुदा जैसा, मिकाया या जैसा खुदा कौन है। फिर हम देखते हैं सैरियल जो कि प्रॉमिस ऑफ गॉड है। इसी तरह हम देखते हैं रमी एल खुदावन की बिजली, रेगुएल फ्रेंड ऑफ गॉड। तो ये सात फरिश्ते हैं, जिब्राइल ऑफ कोर्स मैंने पहले आपको बता दिया, उरियल, रफायल, मिकाएल, रमीएल, सरियल और रेगुएल और जिब्राइल। ये सात फरिश्ते हैं जो खुदावन के हजूर खड़े हैं, और एक और फरिश्ता भी है। अब इस फरिश्ते के हवाले से बहुत से लोग ये कहते हैं कि चूंकि ये खुदावन के सामने उसकी दुआएं पहुंचा रहा है तो ये जो है शायद यीशु मसीह का शायबा है। अजीजों, चूंकि ऐसा लिखा नहीं हुआ इसलिए हम इसको खुदा यीशु मसीह नहीं कहेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ज़रूर है। वो ड्यूटी ये है कि वो मुकदसों की दुआएं जो हैं वो ऊद के साथ, ऊद वो खुशबूदार एलिमेंट होता था जो खुदावन के हजूर चढ़ाया जाता था। जिस तरह सोखनी कुर्बानी की खुशबू खुदावन लेकर खुश होते थे, इसी तरह ऊद की खुशबू भी जो है वो खुदावन के हजूर पहुंचती थी, और लोग इस अपनी दुआएं जो हैं जब वो लेकर आते थे, ऑफकोर्स कुर्बानी के साथ भी और ऊद के साथ भी। तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है कि अब जो है वो दुआएं खुदा उनके हजूर पहुंचती हैं, पहले भी यही कॉन्सेप्ट था। और यूहन्ना जो है वो एक यहूदी हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे, वो इसको इसी तरह समझ रहे हैं कि ये दुआएं जो हैं ये ज़मीन से खुदा उनके पास आसमानी हैकल में मौजूद हैं। याद रखे कि आसमानी हैकल जो है उसकी तर्ज पर, उसकी कॉपी पर ज़मीनी हैकल बनी थी। बेशक आजकल ज़मीनी हैकल नहीं है, लेकिन आसमानी हैकल तो आज भी मौजूद है। ज़मीनी हैकल बर्बाद कर दी गई, लेकिन आसमानी हैकल ना कोई बर्बाद कर सकता है, ना किसी में इतनी ताकत है। और उस आसमानी हैकल में हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया, हम इस बात की लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन जो है बेशक मेरी और आपकी शिफायत करते हैं वहां पर। मेरे और आपके लिए जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाले से, इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? जो शैतान इब्लीस है, जो प्राइम एक्यूज़र है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाता है, और खुदावन यीशु मसीह उसके तमाम इल्जामात की रद्द करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोर्ट में एक प्रोसिक्यूशन का वकील है और एक डिफेंस का वकील है, और प्रोसिक्यूशन के वकील के अगेंस्ट डिफेंस का जो लॉयर है, वकील है, वो हमारा डिफेंस करता है। वो ना सिर्फ हमारा चौपान है बल्कि वो हमारा बचाने वाला भी है, और वो शैतान इब्लीस के तमाम इल्जामात से हमारी रखवाली करता है। हालेलुया, हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। अब जो भेद की बात है, जो आज के प्रोग्राम में, आज की इबादत में, आज के इस फेलोशिप में हम सीखने को है अजीजों, वो ये है कि बहुत सी बातें हमने सीखी, लेकिन जो मेरा फोकस था जिसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि छह मोहरें इससे पहले छठे बाब तक खुल गई हुई थी। सातवां बाब एक इंटरलूड है छठे और आठवें बाब के बीच में, और आठवें बाब में, एट चैप्टर ऑफ रेवलेशन में, सातवीं मोहर खुल रही है। लेकिन उसके बाद आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी हो रही है। ये खामोशी क्यों है? ये खामोशी किस हवाले से है? इस खामोशी का क्या जमीनी मतलब है? अजीजो, हाइंडसाइट इज अ वंडरफुल थिंग। बादियों नजर में हम इन बातों को देखें तो शायद हमें ये बातें बड़ी आसान और सादा लगे, लेकिन अभी बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सी क्यास आराइयां हैं, बहुत से लोग अपने अपने हवाले से इस बात को देखना चाहते हैं, इसकी तफसीर करना चाहते हैं। लेकिन हम कलाम के हवाले से ही देखेंगे कि हम देखते हैं कि कलाम में खुदावंद जो हैं वो तख्त पर बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक तरफ इल्जाम लगाने वाला और एक तरफ हमारा डिफेंस लॉयर है। लेकिन अब जब फाइनल कोर्ट की जजमेंट आ रही है, क्योंकि देखें कैसे सातों फरिश्ते जो हैं वो नरसिंगा बजाने के लिए, वो खुदा की जजमेंट पोर करने के लिए रेडी हैं, तो जज जो है अब वो फैसला सुनाने वाला है। और जब जज आता है तो अजीजों सब खड़े हो जाते हैं अदालत में, जमीनी अदालत में भी ऐसा होता है, खामोशी हो जाती है। अगर कोई शोर करे आज भी अदालत में तो उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है अदालत से। और हम ऐसी ही खामोशी आसमान में देख रहे हैं। वो जो प्रोसिक्यूशन हो रही थी, वो जो मुकदसों की एजार आसानी हो रही थी, वो जो मुकदसों का खून बहाया जा रहा था, वो जो हर तरह का जुल्म उन पर नाहक किया जा रहा था, वो जो उन पर लान तान की जा रही थी खुदा के कलाम पर कायम रहने के बायस और खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही के बायस, अब
इंसाफ का वक्त आ गया है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि अब आसमानी लश्कर भी खामोश हो गया है, वो बाप की इस बात से कि किस तरह उनके सामने ये बात ओपन हो गई है, सातवीं मोहर खुल गई है, जो खुदावंत का रात, खुदावंत का कहर, खुदावंत का इंसाफ अब नाजिल होने वाला है। आसमान पर पिन ड्रॉप साइलेंस है। हम देखते हैं कि फरिश्ते भी सहम गए हैं, वो जानते हैं कि बाप ने बहुत देर तहम्मल किया, वो लॉन्ग सफरिंग रहा, उसने इस बात को नोट किया कि जुल्म हो रहा है, काश ये लोग तौबा करें, और हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, और बथेरों ने ऐसा किया। अभी भी वक्त है अजीजो, द पॉइंट इज द टाइम इज नाउ, इफ एनीवन वांट्स टू रिपेंट दे कैन। पैगाम यही है कि तौबा कर लो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होलनाक दिन के साथ होगी। उस वक्त जो है वो तौबा की गुंजाइश नहीं होगी, उस वक्त जो है खुदावंद जजमेंट नाजिल कर देंगे। और अजीजो, उस जजमेंट से बचने के लिए बेहतर यही है कि हम शैतान इब्लीस की छाप से बचें और खुदावंद की छाप में आएं, खुदावंद के कलाम को अपने जहनों में, दिलों में रखें, वो हमारे माथों पर हो, वो हमारे माथों का जुमर और हमारे हाथों की जीनत हो, वो हमारे गले का तौक हो। इम्साल में खुदावंद का बंदा कहता है कि मेरी बातें तेरे लिए जीनत हो, वो जेवर हो, वो हिकमत गले का तौक बना ले। अजीजो, अगर शैतान इब्लीस मुखालफ मसीह की छाप से बचना है तो खुदावंद की छाप ले ले, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में रख लें। दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि शैतान इब्लीस की छाप के अगेंस्ट खुदावंद की छाप भी मौजूद है, बशर्ते कि आप उसको लेने के लिए तैयार हैं। और इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने पाक कलाम में कहते हैं। मेरे साथ देखिए, जब जज आने वाला होता है, जब खुदावंद की बात आने वाली होती है, तो किस तरह खामोशी छा जाती है। ये बात खुदावंद के कलाम में मौजूद है। मेरे साथ देखिए सफनिया ज़ेफनिया चैप्टर 1:7। तुम खुदावंद खुदा के हुजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है और उसने ज़बीहा तैयार कर लिया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। हालेलुया। इसी तरह हम हबकूक उसके दूसरे बाब और उसकी 20वीं आयत में देखते हैं, हबकूक 2:20 के खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके हजूर खामोश रहे। खामोश रहे, ये आधे घंटे की खामोशी ये दिखाती है कि इस वक्त खुदावंद ने, जब यसुल मसीह नासरी ने, उस मुकद्दस बर्रा ने जो जबा हुआ था लेकिन अब जिंदा है, उसने जब वो सातवीं मोहर खोली है तो उसका इम्पैक्ट देखकर तमाम आसमानी लश्कर जो है वो खामोश हो गया है। बाप एज द जज इज सिटिंग इन हिज थ्रोन। फिर मेरे साथ एक और हवाला भी देखें, अय्यूब की किताब जोब चैप्टर 40 उसकी वर्स 4, जहां पर खुदा का बंदा कहता है, देख मैं ना चीज हूं, मैं तुझे क्या जवाब दूं, मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं ताकि मैं बोल ना सकूं। जिस तरह बच्चों को कहते हैं कि अपने होंठों पर अपनी उंगली रख लें, खामोश हो जाए, अय्यूब भी खामोश हो जाता है कि खुदावंद की जजमेंट आने वाली है। अजीजो, खुदावंद की जजमेंट बेशक आने वाली है, और हम देखते हैं कि आसमानी लश्कर खामोश हो गया है। वो सातों फरिश्ते जो उसके हजूर खड़े होते हैं, वो अपना अपना नरसिंगा बजाने के लिए तैयार हैं। खुदावंद की जजमेंट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन माफी की गुंजाइश अभी है, उस वक्त नहीं होगी। अजीजो, हम में से जो लोग खुदावंद से दूर हैं, हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद को कबूल करने की ज़रूरत है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है और उसके साथ चलने की ज़रूरत है। परसिक्यूशन ज़रूर होंगी, लेकिन जजमेंट से बचना है तो परसिक्यूशन अच्छी है, जजमेंट से बचना है तो परसिक्यूशन अच्छी है, खुदावंद के कहर से बचना है तो लोग जो कहर, जो जुल्म करते हैं, वो बर्दाश्त कर लेना बेहतर है।
इसलिए कि खुदावंद मुकाशवा ही के साथ में बाब में कहते हैं अगर हम ऐसा कर लेंगे तो वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। बेशक इन्होंने मुसीबत उठाई है लेकिन अब उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया, कैसी खूबसूरत बात होगी अजीजों। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। उसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें ये मौका देता है कि हम जिंदगी को चुनें और मौत से बच जाएं, बरकत को चुनें और लानत से बच जाएं, खुदावंद की छाप को ले लें और मुखालफ मसीह की छाप से बच जाएं। बहुत से लोग मुखालफ मसीह की छाप के हवाले से जानना चाहते हैं और मैंने बथेरे प्रोग्राम्स में इसके हवाले से तफसीलन बताया, ऑनलाइन जो ऑडियो फाइल्स हम करते हैं उसके हवाले से भी, डेली प्रोग्राम जो नबियों की कहानी मैं करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसके हवाले से भी बताया, मजीद बता रहा हूँ और बताता भी रहूँगा। लेकिन अजीज़ो, शैतान अबलीस की छाप, मुखालफ मसीह की छाप के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि हम खुदावंद की छाप को समझें, खुदावंद के कलाम को समझें, खुदावंद की उस मर्जी को समझें जो हमारी ज़िंदगी में है। वो अपने कलाम को हमारे सामने रखता है कि कलाम को चुन लो, ज़िंदगी को चुन लो, बरकत को चुन लो, लानत से बचे रहो, मुखालफ मसीह की छाप से बचे रहो। हमने कलाम को जानना है ताकि हम खुदावंद में बने रहें, सजे रहें और महफूज रहें, क्योंकि वो अच्छा चौपान है। उसने अपने बेटे के वसीला से हमें अपने लिए खरीद लिया है। उसके लहू को ईमान के जूफे से अपने ऊपर, अपनी जिंदगियों के ऊपर लगाएं ताकि खुदावंद आपको और आपके घरानों को महफूज रखे, खुदावंद आपको बरकत बख्शे, खुदावंद आपको आज के कलाम से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। एक बात एंड में ऐड जरूर करूंगी क्योंकि खुदावंद बोझ दे रहे हैं, तो आपसे जरूर शेयर करूंगी कि कई दफा ऐसे होता है और बहुत से हमें लोग ऐसे मिलते हैं जो दुआ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं या हम गुनाह की ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हैं या हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि हम अब वापस नहीं जा सकते, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो अजीज़ों, आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावन यशुआ मशिया का लहू ऐसा है कि कोई गुनाह जो है वो उसके सामने ठहर नहीं सकता। उसका लहू, उसका जो खैमा है, वो हर गुनाह को ढांप देता है, वो हर गुनाह को मिटा देता है। और हमारे पास अभी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर, दिल से तौबा कर खुदावन की हजूरी में आ जाएं, उसको कबूल कर लें। आप उस डाकू को याद रखें जो मसीह के साथ सलीब पर था और उसने कहा कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। उस वादे को याद रखें जो यीशु ने उस वक्त उससे किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसका लहू बहुत बड़ा है, उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है, उसको रायगाना जाने दें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, मसीह के पास आ जाएं। मसीह आपको बरकत दें और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन आमीन। इबादत के आखिर में हम खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की तारीफ में ये गीत गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते बढ़ते रहे, बढ़ते चले
की शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम गवाहियों के लिए, खासतौर पर बहन जरी मुगल ने ये गवाही शेयर की है। हमने पिछली दफ़ा अंकल इब्राहिम गिल के लिए दुआ की थी और खुदा ने उन्हें शिफा दी, और ना सिर्फ शिफा दी बल्कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। इसमें सिर्फ खुदावन का जलाल जाहिर हो, हम कुछ भी नहीं है और ना ही हम में से कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि उसकी वजह से शिफा मिली है, लेकिन हमारे पास जो नाम है वो सब नामों से आला और अफजल है। वो नाम हमारे मुनजी यहोशुआ मशीह का है, यीशु मसीह नासरी का है, और उस नाम की वजह से हमारे बुजुर्ग ने शिफा पाई, और भी जो बीमार हैं वो ईमान से अगर अपने नाम खुदावंद के सामने रखना चाहते हैं, हमारे सामने आप ना भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अजीज़ो खुदावंद हमारी दुआओं को हमारे नामों से वाकिफ है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपने नाम उसे दें, आप उससे बात करें। और वो ऐसा खुदा नहीं जो आपके साथ ज़बरदस्ती करे, वो चाहता है कि आप उसके सामने अपनी मन्नतों मनाजातों को, अपनी फरियादों को, अपनी रिक्वेस्ट्स को रखें, और वो उनको पूरा करने का फजल रखता है, वो कुवत और कुदरत रखता है। हालेलुया, हम शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप बहरोबर के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा के, आपके बेटे हमारे मुनजी यहोशुआ के नाम में, यीशु नाम में आप हमें ज़िंदगी बख्शते हैं, फतेहमंदी बख्शते हैं और सरफराजी बख्शते हैं, और आपके नाम में गुनाह और मौत पर फतह होती है। हालेलुया, उन बीमारियों के लिए, उन बदियों के लिए, उन कमज़ोरियों के लिए जो हमारे ही हमारे अजीज़ों की ज़िंदगियों को नीचे करती हैं, गिराती हैं, क्योंकि शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि हम उस परफेक्टनेस को हासिल करें जो आपके साथ मिलती है। अ खुदावंद, हम उन बीमारियों को, बदियों को, कमज़ोरियों को यीशु नाम में झिड़कते और अपनी ज़िंदगियों में से, अपने दोस्तों अजीज़ों जो तो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं, और उस फतह को, उस फतह से बढ़कर गलबे को हासिल करते हैं जो हमें यहोशुआ नाम में हासिल है, मयस्सर है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम गवाहियों के लिए जो आप हमारे साथ अपने लोगों के वसीला से शेयर करते हैं। उसका जलाल आपको मिल जाए, आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की इबादत के लिए और इस ब्लेसिंग के लिए, इन अजीज़ बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और इनके लिए आपके हजूर से, आसमान से आसमान की और ज़मीन से ज़मीन की अच्छी नेमत और बरकतें मांगते हैं। और खुदावंद, हमारा जो ये मैसेज है जो आपसे हम तक पहुंचा है, ये और लोगों तक पहुंचने वाला हो, और अ खुदावंद लोग तैयार हों, उनके दिल तैयार हों, ताकि आपकी पाक रूह को रिसीव करके वो आपके साथ चलने वाले हों, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। Make his face shine upon you, be gracious to you, Lord, turn his face towards you, and give you peace. Amen, amen, amen. मसीह की हर शय मसीह की।